फेलियर के पीछे क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। क्या होता है कि सक्सेसफुल लोग जो है वो हरदम कंट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो रिवार्ड के ऊपर ध्यान रखते नहीं है। कंट्रीब्यूशन कि भाई मैं लोगों को क्या योगदान दे रहा हूं, लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, मेरी कृति कौन सी है, मेरी एक्शंस कौन सी है। जब जब आपका ख्याल कंट्रीब्यूशन के ऊपर है तब तक आपको सक्सेस मिलता जाएगा। जब आपका ख्याल रिवार्ड के ऊपर रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्या होगा, तो खेल खत्म। वहां क्या होगा, वहां आपका ख्याल हो गया रिवार्ड के ऊपर, आपका ख्याल कॉन्ट्रीब्यूशन से निकल गया, और जब रिवार्ड के ऊपर ख्याल है तो खेल खत्म हो जाएगा और आपका जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको यश मिलेगा नहीं, आपका आपको सफलता मिलेगी, आपका फेलियर हो जाएगा। विनोद कांबळी सचिन तेंदुलकर दोनों भी एक साथ में थे। विनोद कांबळी एक ही एकेडमी, एक ही स्कूल, एक एकेडमी दोनों भी, और विनोद कांबळी कई गुना अच्छा तेंदुलकर से था क्रिकेट में। पहले इसमें डबल सेंचुरी बनाने वाला विनोद कांबळी था, हुआ क्या बाद में, विनोद कांबळी के दिमाग में सक्सेस घुस गया, उसका ख्याल रिवार्ड के ऊपर गया, उसका ख्याल जब रिवार्ड के ऊपर गया, खेल के ऊपर से निकला, रिवार्ड के ऊपर गया, खेल खत्म हो गया, और विनोद कांबळी अभी कहीं का नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर कंसिस्टेंटली खेलते गया, खेलते गया, खेलते गया, और कॉन्ट्रीब्यूशन करते गया। जब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था तो वो टॉप पे चले गया सचिन तेंदुलकर। लता मंगेशकर गाना गाती है तो कॉन्ट्रीब्यूशन करती है लोगों के लाइफ में। विराट कोहली जब खेलता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है लोगों के जीवन में। और कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कैसा है, एंटरटेनमेंट लोगों का होता है, लोग मजा लेते हैं। वो जब विराट कोहली जब खेलता है, चौके छक्के मारता है तो लोग मजा लेते हैं, उनके जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट होता है, उनका एंटरटेनमेंट होता है। तो आज विराट कोहली के पास में कितने सारे असाइनमेंट और करोड़ रुपये कमा रहा है, करोड़ रुपये के ऊपर ध्यान गया तो इधर कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हरदम ये देखो कि आपका ध्यान कहाँ है। गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर देखो मत, कर्म करते रहो और कर्मण्य करेंगे, काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल मिलता जाएगा, रिवार्ड मिलता जाएगा। तो रिवार्ड के ऊपर हरदम ध्यान रखते हुए हरदम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे, काम कौन सा कर रहे, लोगों के जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को मैं क्या दे रहा हूँ, मेरे कृति से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, यहाँ जब आपका ख्याल रहेगा तो डेफिनेटली आपको रिवार्ड मिलते ही जाएंगे।